हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पेन ओवर में। आज मैं एक बहुत ही अच्छे पेन की अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो ये है लग्जर इंग्लाइड रेसर एडिशन फाउंटेन पेन, जो कि 3 जंबो कार्ट्रिजेस के साथ आता है। और यहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल्स दी गई है कि ट्रेंडी डिज़ाइन, रिफिलेबल फाउंटेन पेन, यूनिक फ्लूडिंग सिस्टम, स्टेनलेस स्टील निब विथ इरिडियम टिप, अल्टीमेट स्मूथ एक्सपीरियंस, जम्बो एक्सेल इंक कार्ट्रिज फॉर लॉन्गर राइटिंग, 40% एक्स्ट्रा इंक। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ दी गई है, हाउ टू इंसर्ट कार्ट्रिजेस, एंड आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे और भी आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो इस एक प्रोडक्ट में आपको एक पेन के साथ 3 कार्ट्रिज मिलेगा, वो भी आपको 50 रुपीज़ में। इसका एक और पैक आता है जो कि 45 रुपीज़ की आती है। तो इसमें जो पेन में कार्ट्रिज इंसर्ट किया हुआ नहीं है, हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, जहाँ से पता चलता है इंक कार्ट्रिज नॉट इनसाइड द पेन, जो कि सही है। इससे पता चलता है कि आपका पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। वार्निंग दी गई है, पेन कैप कैन ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग, कीप आउट ऑफ माउथ, तो सही है। और हम लोग इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके सभी डिटेल्स देख सकते हैं इस पेन के बारे में। और ये इजीली अमेज़ॉन में भी मिल जाता है। तो मैंने तो इसे अपने नियर बाय स्टोर से ख़रीदा था। तो अभी मैं इसे इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। बहुत ही सिंपल अनबॉक्सिंग है, ऐसे इसको निकालना होता है बस। तो ये थी सिंपल अनबॉक्सिंग, एक डब्बा जैसा बनाया गया है, इसमें ऐसे निकालना पड़ता है। यह है कैप, जिसमें आपको लग्जर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और काफ़ी हल्का है और प्लास्टिक मेड है। और आप जो क्लिप है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, बट इसे ज़्यादा मत खींचेगा वरना ये टूट सकता है। और नॉर्मल सा कैप है, आपको 3 इंक कार्ट्रिजेज मिलेंगे। ये ऐसे जंबो इंक कार्ट्रिजेज आती है, ये जंबो तो नहीं पर मुझे मीडियम साइज इंक कार्ट्रिज लगता है, बट जैसा कि इसमें कहा गया कि जंबो कार्ट्रिज है। और आपको मिलेगा एक पेन, ये तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास इससे एक मिलता जुलता पेन है, प्लेटिनम प्रेपी, सेम टाइप ऑफ ग्रिप देख सकते हैं, बट निब में थोड़ी डिफरेंस है। ग्रिप सेम टाइप की है और दोनों ही कार्ट्रिजेस यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो लग्जर इंग्लाइट कार्ट्रिज सिर्फ यूज़ कर सकता है, बट ये जो प्लेटिनम प्रेपी, आप इसमें प्लेटिनम कार्ट्रिज डाल सकते हैं। और ये फाइन निब है और ये मीडियम निब है, जो प्लेटिनम प्रेपी है वो मीडियम है और ये शायद फाइन निब है। बट जब मैं देखता हूँ दोनों के पेन पॉइंट की तरफ, तो दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं। और देख सकते हैं ग्रिप भी लगभग सेम चौड़ाई का है और बस थोड़ा सा अलग है। तो क्या देखते हैं, ये वाला फिट होगा इस पेन में? नहीं। तो जिस पेन का कैप है मैं इसमें लगा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या अंदर इंक कार्ट्रिज एक, तो हाँ नहीं है इसमें कोई भी इंक कार्ट्रिज, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको 4 छेद देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब यह है कि आप इसको आई ड्रॉपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। निब जैसे कि कहा गया था स्टेनलेस स्टील का इरिडियम टिप के साथ, और देख सकते हैं काफ़ी एक सुंदर, काफ़ी अच्छे से पॉलिश किया गया है निब को। और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्रिप है, जहाँ पे आपको एक इंक फीड देखने को मिलेगी, और काफ़ी मोटा ग्रिप है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव बिग हैंड्स, मीडियम हैंड्स से तो थोड़े बिग बड़े हैं मेरे हैंड्स, और इसलिए मेरे हाथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए हम इसमें कार्ट्रिज को लगा के देखते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, कार्ट्रिज को ऐसे यहाँ पे इस जो डंडा आप देख रहे हैं बीच में जो है डंडा जैसा कुछ है, उसको कार्ट्रिज के मुंह पे लगाना पड़ेगा और फिर कार्ट्रिज को, पेन को कार्ट्रिज के अगेंस्ट पुश करना पड़ेगा। एक हाथ से काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, होता नहीं है एक हाथ से, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक हाथ से करने की। इतना
हाँ चला गया दोस्तों। अब इसके जो बैरल है उसको मैं वापस लगा देता हूँ। तो काफ़ी आसान है कार्ट्रिज, जो कि बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है अगर आपको अपने पेन में इंक डालना है तो। अभी इंक आ नहीं रहा है, देखिए दोस्तों इंक आ गया, काफ़ी जल्दी इंक आ गया। बट निब में जो इंक है पूरी तरह सैचुरेट होने में इसको कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे या फिर आधा घंटे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन को ऐसे पॉइंट की तरफ, इसको कैप लगा के ऐसे पॉइंट की तरफ वर्टिकल पोजीशन में रख देना होगा, जिससे कि पेन में की जो निब है उसमें इंक पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये मेरे पास है, काफ़ी स्मूद है। और ये स्टेनलेस स्टील निब है। निब में मार्किंग नहीं की गई, ये फाइन है कि या एक्स्ट्रा फाइन या फिर मीडियम, बट जैसा कि ये है मुझे लगता है ये फाइन निब है और अच्छा है, स्मूद है निब। और यहाँ पे आपको इसका मैंने एक और पेन अनबॉक्सिंग किया था जो कि ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स में था, बट ये कुछ अलग ब्लैक और कार के एडिशन में है, ब्लैक कलर बैकग्राउंड और कार वाले एडिशन में है, जैसा कि कहा गया रेसर एडिशन। तो मैंने सोचा इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा दूँ कि ये कैसा है। तो ये पेन काफ़ी स्मूद है और जब थोड़ा सा भी हल्का सा फीडबैक ही है, बट अगर आप इसे को निब को ऐसे वर्टिकल पोजीशन में जो निब का पॉइंट है उसको डाउन करके थोड़ी देर तक 1 घंटे तक रखेंगे, उसके बाद आप इसे निकालेंगे तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा। और आप इसे हमेशा लिखते रहेंगे तो ये दिन पर दिन स्मूथ हो जाता है। मैंने लग्जर के हर पेन इस्तेमाल किए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आशा करता हूँ सबको मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को मेरा ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।